मरीज जो है बहुत बड़ी परेशानी में है, उसका गुदा द्वार रुका हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, भयंकर रूप से चिल्ला रहा है। युवक है जिसको आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर लोकी घुसाली, युवक का दर्द हूँ पूरी तरह कैरान भी लगे हो। ये इसकी साइज लगभग 11 इंच है और मरीज की अभी ऐसी हालात नहीं है कि वो कुछ बता सके। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करे फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करे फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मैं हूँ मनोज और थे देख रहे हो जल को चूरू चैनल पर। नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश का। फिलहाल चूरू के अंदर एक अजीबोगरीब मामला है जिसको सामने आया है। मामले की बात करा तो हरियाणा निवासी एक युवक है जिसको आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर लोकी घुसाली और आदतन है जी को शराबी बताया जा रही हो। युवक परिजन है जी का जिला अस्पताल ले गए है जी का। युवक ने पूछा जैसे चिकित्सक ऑपरेशन करके लोकी ने निकाल दियो है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा निवासी बहल का युवक है जी को परिजन बाहर गए हार नशे की हालत में है। प्राइवेट पार्ट के अंदर वो लोकी घुसाली, युवक दर्द हूँ पूरी तरह कैरान भी लगे हो। परिजन है जी का जिला अस्पताल ले गए पहुंचा जैसे चिकित्सक हालत ने देख के तुरंत ऑपरेशन करने को निर्णय लियो। मशीन की जाँच करने के बाद में कोई बड़ी चीज फंसी होगी अंदर पायो गये और बैंग बाद में है जी का ये चीज ने निकालने खा रहे। डॉक्टर जेपी चौधरी, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर महेंद्र के सहयोग हूँ। प्राइवेट पार्ट में फंसे लोकी जी का निकाली गयो। डॉक्टर चौधरी बतायो कि ज्यादा देरी हो जाती तो बड़ो ऑपरेशन भी करना पड़ सके हो। ऑपरेशन के समय पर ऑपरेशन नहीं करे तो आंत भी रुक सके ही और एंग बाद में आंतंग चीर करके बने निकालना पड़ता हो, काफी कष्टदायक एंग बाद में हो। तो फिलहाल डॉक्टरों ने बतायो है कि ऑपरेशन के बाद मरीज है जी को कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। चूरू के डीबी अस्पताल के अंदर अजीबोगरीब मामलो है जो सामने आयो है। आदतन शराबी देखा होगा लेकिन ए टाइप की वारदात करना अपने आप में एक अलग ही मामलो सामने आयो है। फिलहाल ये मामले पर डॉक्टर के कुछ कह रहे हैं सुना। मैं घर पे आराम कर रहा था तभी डॉक्टर महेंद्र सबलानिया जी हमारे सीनियर रेजिडेंट है, वो ड्यूटी पर थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि सर एक फॉरेन बॉडी इन रेक्टम गुदा द्वार के अंदर कुछ फंसा लिया गया है या फंसा दिया गया है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उसी संबंधित मेरे पास फोन आया कि सर मैं ये इसमें असमर्थता महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ आया और मैंने देखा कि मरीज जो है बहुत बड़ी परेशानी में है, उसका गुदा द्वार रुका हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, भयंकर रूप से चिल्ला रहा है और उसके द्वारा बताया गया कि उसने घिया अंदर डाल दिया है। उसने डाला या क्या किया वो हम नहीं कह सकते लेकिन उसके गुदा द्वार के अंदर घिया फंसा हुआ था। जैसे मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि भाई गुदा द्वार के अंदर उसको बड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही है। उसके बाद में हमने उसको माइनर ऑपरेशन थिएटर में लिया और इसी दौरान डॉक्टर आनंद प्रकाश इमरजेंसी के इंचार्ज भी उपस्थित रहे। उन्होंने जो है बताया कि बॉस आप हेल्प करो। तो डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर आनंद और मेरे तीनों के द्वारा हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया। इसमें जो है ऑपरेशन के गुदा द्वार को जो है मरीज के गुदा द्वार को बेहोश किया गया और ऑपरेशन थिएटर में लेकर के और हमारे विक्की और सोनू और बाकी सब सहयोगियों के द्वारा जांच करके गुदा द्वार के अंदर प्रोक्टोस्कोप नाम की मशीन डाली गई। उस मशीन को डालकर हमने चेक किया और जब मैंने उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करी तो देखा कि ये कुछ लंबी चीज है। उसके बाद में हमने ऑपरेशन की प्रक्रिया में उपकरणों का प्रयोग करते हुए उसके अंदर फंसा करके निकाला तो लगभग 11 इंच का लोकी कह सकते हैं या शायद संभवतः ये खीरा भी हो सकता है ये निकाला गया। और निकालने के बाद में मरीज को बड़ा राहत महसूस हुई। ये इसकी साइज लगभग 11 इंच है और मरीज की अभी ऐसी हालात नहीं है कि वो कुछ बता सके। और क्यों, किन परिस्थितियों में क्यों डाला, किसी और ने डाला, खुद ने डाला, इसके बारे में तो आपको मरीज ही बता सकता है। लेकिन जो ये है 11 इंच साइज का है और इसके लिए बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था और बिना किसी बड़े ऑपरेशन के अगर हम ये ऑपरेशन करके अभी गुदा द्वार के रास्ते से इसको नहीं निकालते तो आंत को काट करके निकालना पड़ता है, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन। अगर ये कल रात को डाला हुआ है, अगर ये नहीं निकाला जाता तो मरीज की आंत रुक सकती थी। उस परिस्थिति के अंदर पेट को काट कर आंत को चीर के निकालने की आवश्यकता होती और वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन के लिए जीवन भर के लिए दुखदायी होता। हाँ, इसमें पूरी पूरी संभावनाएं थी, अगर 3 दिन तक इसको नहीं बाहर निकाला जाता और मरीज की आंत रुकी रहती है तो जान जान की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। चूरू के भर्ती हॉस्पिटल अजीबोगरीब खबर ही जिसकी थाने अपडेट करवाने की कोशिश करी। हाँ, खबर पर थे कि कुछ सोच रहा हो जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताओगा। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।